हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है मेरा आज का फुल वीडियो व्लॉग, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा मिट्टू पैरट कितना एक्साइटेड रहता है अगर हम उसको चुपके से देख करके और हट जाते हैं वहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम उसके पास जाएंगे तो फिर वो मतलब एक्साइटेडली पहले तो बैठ करके शांति से देखेगा कि कौन आया है कौन नहीं आया है। फिर अगर पापा आ जाएंगे तो उनको देख करके पूरा एक्साइटेड हो जाता है, पहचानने लगता है। और मैं अगर पास में आ जाता हूँ तो फिर मुझे भी देख करके पहचानने लगता है और पूरा एक्साइटेड हो जाता है। और अगर हम इसको घर में अंदर बिना लिए अगर जाते हैं तो ये पूरा इधर उधर भाग करके अपना एक्साइटेड होकर के दिखाने लगता है कि हम पूरा एक्साइटेड हो चुके हैं, तुम मुझे अंदर लेकर के चलो। तो देखिए, अभी देखिएगा हम इसको अंदर जाकर मतलब अपने रूम के अंदर जा करके और कैमरा सिर्फ बाहर छोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितना एक्साइटेड होकर भागेगा इधर उधर। देखिए, अभी हम इसके सामने खड़े नहीं हैं, हम खुद मतलब रूम के अंदर चले गए और सिर्फ फ़ोन बाहर रखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि कितना एक्साइटेड हो गया ताकि आओ मुझे लेके जाओ अंदर लेके जाओ। और अभी हम इसको थोड़ी देर में जबकि लेके भी जाएंगे, बट उसको बता देते हैं कि अभी तुमको थोड़ी देर बाद ले जाएंगे। जब ऐसे दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर ये बहुत मासूम बनने का ट्राई करता है और जब बाहर आ जाता है तो फिर ये काटेगा पीटेगा सारा सब कुछ परेशान करने लगेगा। अभी देखिए, अभी बहुत मासूम बन के अंदर जाएगा बहुत शांति से, लेकिन जब अंदर पहुँचेगा, अंदर पहुँचने के बाद इसको फिर लगेगा कि ये तो घर में आ गए, अब हम उड़ सकते हैं, काट सकते हैं, फाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिएगा इसको, ये देखिए। और हम YouTube पे चला भी रहते इसी का वीडियो, एक शॉर्ट्स डाले थे तो उस पर अच्छा खासा रिव्यू भी व्यूज़ भी अच्छा आया था। और ये देखिए देखिए, माउस काट रहा है, माउस एक्चुअली मेरा है भी नहीं, वो मेरे भाई का है और उसको काट रहा है तो हम उसको मना करेंगे, अरे मत काट भाई कि मेरा नहीं है वो, और ना ही तेरा भी है ना मेरा, वो किसी का नहीं है वो, फिर जिसका है वो बड़ा गर्मा आ जाएगा काटने पर। तो देखिए देखिए देखिए, कुछ छीन लो इससे ना तो फिर लगता है एकदम भड़कने उस चीज़ को लेकर के, हमसे छीन लिया लड़ाई करने लगेगा। देखिए, कितना भी इसको डांट लो भगा लो मार लो, लेकिन वो पड़ेगा उसी चीज़ के पीछे जब तक इसको कोई दूसरा चीज़ हाथ में नहीं पकड़ा दे। समझदार है मिट्टू, एकदम बचपन से रह गया हम लोग के साथ तो अब एकदम समझदार हो चुका है। मतलब पंख वंख हम लोग काटते नहीं है, मतलब हल्का सा वो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, शेप के लिए हल्का सा बराबर करते हैं, वरना ये खुद उड़ सकता है अगर इसको छोड़ देंगे तो, बट कहीं उड़ के भी जाता नहीं, इसलिए पूरा रूम हम इसको दिन भर में लगभग 2 से 3 घंटा तो घुमाते फिराते रहते हैं ऐसे ही घर में। देखिए देखिए देखिए, कंघी लेकर के, और जो ये पता है सामान भी लेके उड़ जाता है, मतलब सोचता है कि सामान पकड़ लेता है मुंह में, उसको भी लेके उड़ने लगता है। देखिए, कंघी के पीछे एकदम पड़ चुका है और जो चीज़ के पीछे पड़ेगा तब तक पड़ेगा जब तक उसको वो चीज़ मिल ना जाए। देखिए, पूरा लड़ाई करता रहता है दिन भर बैठ करके सबसे। ये देखो, उड़ा ना, इसका पंख नहीं काटे हम लोग, उड़ के चला जाता कहीं भी, फिर अपने से घूम फिर करके आएगा। और अगर हम टेबल पे बैठे हैं तो टेबल से ये देखिए इस तरह से टेबल क्लॉथ पकड़ के दिमाग लगा के होशियारी करके ऊपर ऊपर साइड से चढ़ेगा, चढ़ने के बाद फिर ऊपर आ जाएगा टेबल पे। अब उसमें कुछ मिट्टू मिट्टू भी करने लगेगा, मतलब अगर कुछ हम सीटी उटी मार ले, फिर जिस चीज़ के पीछे इसको याद रहता है उसी चीज़ के पीछे पड़ा रहता है। एक दो अगर हम विशल भी कर देते हैं, सीटी मार देते हैं, तो फिर उसको एकदम याद आ जाता है, अच्छा हाँ मेरा नाम मिट्टू है, शुरू हो जाता है एकदम मिट्टू मिट्टू हल्का हल्का करता है। देखो देखो, किसी भी एक चीज़ के पीछे अगर पड़ गया तो फिर आप उसको छुड़ा नहीं सकते उससे तब तक जब उसको उड़ा के भगाओ नहीं यहाँ से, लड़ जाएगा लेकिन उसी को लेगा। देखो, और अगर इसके सामने प्लेट में कोई खाना लेके बैठ गया तो भाई फिर आप खाना खा नहीं सकते, या तो फिर इसको खिला के साइड में हटाओ पहले, उसके बाद आप खाना खाओ, नहीं तो फिर खाना नहीं खा सकते आप। ये है कि सडन इसके सामने हाथ लेके चले जाते हैं तो फट से उस पर आके बैठ जाता है। देखिए, इसके शॉर्ट्स और वीडियो तो आप लोग देखते ही रहते होंगे तो पता ही चलता होगा कितना शरारती है, कितना ये क्या नाटक करता रहता है। बट फिर भी मैंने सोचा कि एक दिन का पूरा इसका एक वीडियो बनाते हैं बड़ा सा, देखते हैं कि क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। पर जब ज़्यादा शैतानी कर लेता है तो मैं इसको ऐसे पकड़ के बैठ जाता हूँ, कहता हूँ कि क्या बदतमीजी कर रहा है। और ये किसी और से नहीं ऐसा पकड़ाता है, मतलब अगर आपका तोता आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है तभी आप उसको ऐसे पकड़ सकते हैं, वरना फिर किसी भी बर्ड को और तोते को आप ऐसे पकड़ नहीं सकते। इनसे इनको कोई हार्म नहीं होता, लेकिन हाँ ये ट्रस्ट अगर आप तोता आपके ऊपर करता है तभी आप उसको इस तरह से पकड़ पाएंगे, वरना नहीं। देखिए, पूरा टेबल क्लॉथ को मोड़ मार के ऐसे कर दिया, तो फिर डांट वाट पड़ने लगी मुझे मम्मी की तरफ से और कहने लगी कि बाहर करो, अब इसको बहुत देर से परेशान कर रहा है। तो इसको हम लेके जाते हैं फिर बाहर, और बाहर जाने के टाइम में ये देखिए आगे के हॉल में मैंने अपना एक्वेरियम भी सेटअप करके रखा है मॉली फिश का,
तो उस पर हम इसको बैठा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसका पानी वानी के साथ छिड़खानी करता रहता है, और उसमें अगर ग्रास ज़रूर निकाल के चबाएगा, पूरा ग्रास निकाल लेता है उसका चबाने के लिए, गप्पी ग्रास इसमें है तो उसको पूरा चबाने लगता है, निकालेगा काट पीट के तोड़ेगा, तो वहाँ से भी हमको उसको हटाना पड़ता है। कहीं भी एक जगह अगर इसको हम बैठा दें, मजा ले कि वो वहाँ पे कुछ शांति से बैठ जाए, हो ही नहीं सकता इसके साथ। फिर इसको मिर्चा पसंद है, मतलब एज यूजुअल सारे तोता को पसंद होता है, बट इसको हमको लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो अगर मिर्चा वर्चा देख लेता है तो फिर एकदम एक्साइटेड हो जाता है नोच नाच के खाने का, छीनेगा फिर उसे पकड़ लेगा, जब तक मतलब अपने पास जब तक इसको नहीं मिलेगा ना, सारे प्रयास करता है कि किसी तरह से हमको मिल जाए मेरा मिर्चा मेरे हाथ में। देखिए किस तरह से लड़ रहा है, फिर तो तुम उसे दौड़ाते रह जाओगे भाई, पकड़ नहीं पाओगे, मतलब लिटरली दौड़ के भागता है ये, अभी दौड़ेगा कहीं ना कहीं, सारा कुछ होगा तो फिर पक्का दौड़ेगा। अच्छा बिस्तर उस्तर के पास कहीं जाता है तो उसको गिरा देगा, जो भी चीज़ मुंह में पकड़ेगा फिर उसको खोजेगा। देखिए देखिए लगा दौड़ने, अब एक बार इसको पकड़ लेने दीजिए पहले, अभी हम जानबूझ करके इसको घुमा रहे हैं। ये देखिए देखिए भाई, ये देखिए 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 भागा 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 एकदम, जो छुप छुप के मूवी नहीं उसमें जो बंडिया रहता है उसी की जैसे भाग के भागता है कहीं से भी, फिर गिरा दिया, फिर वो मिर्चा गिरा देता है और फिर उसको लटक लटक के जितना ट्राई कर सकता है उतना उठाने का ट्राई करता है, नहीं मिलता है तो फिर हम उसको उठा के दे देते हैं। मिर्चा खाता है, आई थिंक तोते लोगों को टेस्ट बड्स थोड़ा सा कम होता है तो इसलिए इन लोगों को उतना तीखा नहीं लगता है, तो इसलिए लोग कुछ भी देखते हैं तो खाते हैं। देख फिर गिरा दिया, फिर ट्राई करेगा वो उसको लेने का, लेकिन अपने गिरने के डर से कि मैं ना गिर जाऊं इसलिए उसको ट्राई नहीं करता ज़्यादा उठा के, तो फिर हम उसको उठा के दे देंगे, दो तीन बार देते हैं फिर बार नहीं देते हैं, खाना खाओ नहीं तो मत खाओ। देखो विसल करते हैं तो पक्का मुड़ के देखेगा। ये देखो नहीं मिलने पर एकदम गुस्सा हो सर, पता नहीं क्या तोते लोगों का दिमाग में समझ में नहीं आता है, कैसे सोचते हैं क्या सोचते हैं, जितना भी लोगों के साथ सही से रहो उतना सही से भी रहते हैं, और फिर हल्का सा भी दिक्कत होता है ना तो एकदम गर्माने लगते हैं। ये देखो खुला रहता है, मतलब ऐसे नहीं है कि उसको पकड़ बांध वांध के मुँह ज़्यादा पिंजरे में रखते हैं, हाँ रात में रख देते हैं और सुबह होता है तो फिर थोड़ी देर के बाद नाश्ता पानी इसका डाल करके इसको तीन से चार टाइम जो भी मतलब जैसे कोई कुछ भी खाने बैठा तो वो इसको बगल में उठा के ज़रूर देगा, और तो और इसका अपना फिर फ्रूट्स पानी और ये सब तो मिलता ही रहता है, और उसके बाद भी खाना जितना मिलेगा कोई भी है, जैसे मम्मी खाना लेके बैठी तो वो डाल देंगी, कोई भी बैठा घर में हम बैठे खाना लेके, और अगर इसके सामने बैठ गए और अगर पिंजरे में आवाज़ कर करके चिल्ला देगा तो आपको देना पड़ जाएगा। फिर दिन में एक टाइम हम इसको एक बड़े से कटोरी में पानी भर के दे देते हैं ताकि उससे वो अपना जो नहाना धोना खाना पीना और कूदना फाना उसमें खुश होकर के अपना करता रहता है, तो अच्छा लगता है देखने में, बड़ा बड़ा पंख फैला लेता है अपना, उसी में कूद कूद के नहाता है, देखिए एकदम मतलब कि जैसे मुँह भी धो लेगा, फिर पोछेगा रगड़ेगा और सुखाएगा भी अपने आप को हर जगह से, जैसे मतलब साफ मतलब तोता है वैसा, तोते लोगों में ये क्वालिटी होती है किसी भी तोते में, और अदर बर्ड्स की अपेक्षा ये ज़्यादा होती है तोता में कि वो अपने आप को क्लीनलीनेस पसंद है उन लोगों को, कि साफ़ सुथरा रखेंगे और कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग पंख नोच देते हैं, अगर कहीं कुछ इचनेस होता है इन लोगों को तो वो सब चीज़ों में तोते काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को तोता को बहुत ही मतलब कि हम लोग में अच्छा माना जाता है कि तोता आप रख सकते हैं और काफ़ी प्योर होता है। देखिए ये खुद से नहा, अगर जिस दिन नहीं नहला और पानी देते तो उस दिन वो मुँह भिगा भिगा करके खुद से नहाने बैठ जाता है, और अच्छा भी लगता है इसको देखते हुए, मतलब नहाते हुए भी देखना इसको ठीक लगता है। देखिए पंख तो ऐसा फैला रहा है, इसलिए लग रहा है पूरा पंख डुबा डुबा के नहाएगा, लेकिन उतना कर नहीं पाता, और बाकी कभी कभी उसको टब भी दे देते हैं पूरा,
तो टब में भी अपना बैठ बैठ के नहा लेता है। वो उसका वीडियो आपको कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि कैसे ये टब में बैठ के नहाता है। बाकी तो कटोरी में पानी वानी के लिए कभी अंदर भी पिंजरे में भी डाल देते हैं, कभी बाहर भी रहता है। देखिए देखिए पूरा आँख वहाँ गीला करके चोंच के आसपास पूरा गीला कर लेता है अपना, और फिर उसके बाद से उसको उड़ उड़ के इधर उधर इधर उधर देखो रगड़ रगड़ के ना सुखाया जाइए। ये मतलब साफ कर रहा है कि ज़्यादा जल्दी से पानी सूख जाए अपना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये आम नाम तो पहली दूसरी बार जब इसको देखे तो हम डर गए थे, हम क्या हो गया, अब मुंडी पकड़ पकड़ के अपना उसमें पटक रहा है साला। तो हमको समझ में आया कि अच्छा नहीं, ये सुखाने के फिराक में है कि फिर उसके बाद कहीं कपड़ा मिलेगा तो उसके बाद जल्दी उसको सुखाने जाता है कपड़े में जा करके। जैसे कि अब हम उसको बेड पर छोड़ देंगे तो बेड और देखिए हाथ पे भी सुखाने लगा। देखिए 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 झाड़ने लगता है पूरा अपना, नॉस्ट्रल्स वॉस्ट्रल सब साफ करता है, चोंच वोंच रगड़ के साफ करता है। ये कुछ भी खा रहता है उसको चोंच वोंच में लगा रहता है, चोंच में लिप्स में अंदर सब मतलब टंग वंग तक लगा रहता है कुछ भी, तो उसको पानी से धुल धुल के और साफ कर लेगा। देखिए अगर कपड़ा मिलेगा तो कपड़ा में बहुत अच्छे सुखाता है। देखिए हम सच में अगर आप अपने तोते को ऐसा करते हुए देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि पानी भी इसको देंगे और फिर वो अपने से धो करके आता है सुखा लेता है पूरा। सुखाते टाइम बहुत अडोरेबल लगता है। देखिए ये देखिए पहली बार को देखेगा तो डर जाता है कि अरे इसको क्या हो गया, मुंडी पटक रहा है नीचे। जब नहा धो लेता है और उसके बाद हम भी इसको छोड़ देते हैं कुछ देर अपना, फिर शांत हो जाता है। मतलब हल्का सा अगर ये पानी वानी में लग जाता है तो होते नहीं बच्चे जैसे कैसे नहा धो लेते हैं तो हल्का उनको नींद आने लगता है। इसको भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी तो थोड़ी देर और खेलेगा फिर पक्का इसको नींद आएगा। नींद आएगा तो हम इसको पिंजड़े में इसका सेट करके सारा चीज़ नीचे एक प्लास्टिक शीट लगा देते हैं जिससे कि बाकी चीज़ जो भी खाए पिए तो नीचे ना गिरे। फिर उसके बाद से आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। हम उसको कॉर्न और क्या नाम है कि फ्रूट्स और चने और क्या नाम है कि पानी वानी डाल करके इसको सेट करके छोड़ देते हैं दिन भर। तो अपना खाता है पीता उसी में रहता है, और जहाँ इसको निकलने का मन करता है तो खुद ही आवाज़ करने लगता है, तो हम समझ जाते हैं या तो निकलना होगा या तो इसको कुछ खाने को चाहिए। तो मोस्टली हम लोग खाने को कुछ डाल देते हैं, बाकी अगर शाम हो जाता है तो फिर अंदर ही रहता है ये, और फिर सुबह सुबह इसको निकालते हैं या दोपहर तक निकाल देते हैं तो शाम तक घर में घूमता रहता है इधर उधर इधर उधर। आज तो मैं इतने वीडियो इसलिए बना पा रही क्योंकि मम्मी आज है नहीं घर पे, और अगर मम्मी रहती हैं और इतना पानी गिराता रहता है तो पक्का डांट पड़ता है इसको। तो खैर क्या ही पता चलेगा क्या डांट पड़ रहा है, हमको डांट पड़ता है कि इसको तुम रख लियो पानी इधर उधर गिरा रहे हो, अंदर इसके पिंजरे में दे दो साफ सुथरा नहाएगा अपना वहीं पर। तो मम्मी है नहीं तो हम इसको वीडियो बनाने के लिए पानी दे दिए हैं ताकि बाहर ही बैठ के नहा रहा है। पानी गिरा देता है, काफ़ी पानी गिराता है। यूजुअली हम इसको एक डोरमैट पे दे देते हैं पानी रख करके, तो वहाँ पे वो जितना भी गिराता है डोरमैट अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमको इजी रहता है, बाहर उसको ले जाकर रख देता है। बस पैरेट के साथ रहने में दिन भर में 10-20 बार तो ऐसा लगता है कि अरे वाह क्या सही नाटक कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और ठीक लगता है, मन खुशी रहता है अपना। अगर पैरेट को बचपन से पाल के रखे तभी, वरना अगर आप बड़े पैरेट को लेके आते हैं तो उतना वो फ्रेंडली नहीं रहता। ये देखिए कैमरा वैमरा देख लेता पास में आकर के तो कुद कुद के सामने आने लगता है। बच्चे से अगर आप पैरेट लाकर रखे हैं तो आपको पक्का वो मतलब कि अच्छा ही लगेगा कुछ टाइम में भी, और जहाँ वो 2-4 महीने 6 महीने का हुआ तो वो फिर आपको एकदम फ्रेंडली हो जाता है, फिर कहीं भी उड़ के भी नहीं जाता। अगर आप खोल के भी छोड़ दो ना तो भी कहीं उड़ के नहीं जाएगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका ये रेडनेक पैरेट भी उड़ के चला जाता है, और एहसान नहीं मानते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप ढंग से रख रहे हैं, हमेशा से हैंड टेंड करके रखे हुए हैं और वो आपको काटे वाटे ना तो वो कहीं नहीं जाते हैं, वो फिर समझ जाते हैं कि हाँ मुझे खाना पानी यहीं मिल रहा है तो फिर कहीं बाहर जाने कोई मतलब नहीं है। बट अनलेस एंटिल आप इसको जानबूझ करके उड़ा के बाहर ना फेंक दीजिए, लेकिन हाँ अगर आप ढंग से ट्रीट कर रहे हैं और घर में खुला छोड़ रहे हैं दिन भर तो ये कहीं उड़ के जाने का ट्राई भी नहीं करते। बहुत जाएंगे तो पर्दे वर्दे के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और कहीं किसी मतलब कि, और हाँ ये है कि फैन चलाते पहले तो उनको डर भी लग रहा था कि फैन चलता रहेगा तो कहीं जाके लग ना जाए, बट हाँ समझदार होता है, उड़ेगा तो फैन के नीचे से बगल से निकल जाता है। बहुत बार हम इसको देखे हैं फैन तक नहीं जाता। बाकी पैरेट एक छोटा डॉग ही होता है मेरे हिसाब से, अगर आप उसको ढंग से रख रहे हो तो, क्योंकि हर चीज़ वो समझते हैं और आपके ट्रीट को एक्सेप्ट भी करते हैं। आप ट्रीट दे करके आप उनसे 2-4 काम भी करवा सकते हैं बहुत आराम से, छोटे डॉग ही समझिए आप इनको।
अपना ये पैरेट लगा के बहुत सेटिस्फाइड है। अगर आप भी पैरेट रखना चाहते हैं तो मेरा बात मानिएगा, हमेशा ही एक बच्चे को लीजिएगा, जो कि बच्चे को आप अगर हैंड फीड करा के बड़ा करते हैं मार्च अप्रैल के टाइम में मिलेगा, तो आप उससे बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। जब वो बड़ा होगा तो लगेगा कि हाँ आपको कोई अपना, मतलब सच में आपको कोई अपना पैरेट है। फिर नहाने धोने के बाद उसको हल्का हल्का नींद आने लगता है, तो हम इसको कहते हैं अब चलो पिंजरे में, चला ही जाता है, कोई बहुत नाटक नहीं करता पिंजरे में भी जाने में, क्योंकि इसको पता है कि जब ये चाहेगा तब बाहर आ सकता है और उसमें भी जा करके साफ़ सुथरे से अपने आप को रखता है। इसका पिंजरा भी हम लोग साफ रखते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहता, अपना आराम से रह लेता है। बट अगर फिर पिंजरे में डालने पर हम इसको कुछ दे देते हैं खाने पीने के लिए, तो उसी में मतलब अपना खोया रहता है, काटता चबाता है। अब पता नहीं क्यों मेरे तोते का आदत ज़्यादा हो गया कि ये काट के ज़्यादा फेंक देता है, खाता उतना कम उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही खाएगा लेकिन काट करके सब कुछ फेंक देगा। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके चार पांच बार या फिर जितनी बार भी हो सकता है उतनी बार डालते रहते हैं। देखिए अब यहाँ भी इसका पूरा फेस अभी सूखा नहीं है, तो उसको वो कोशिश कर रहा है कि कहीं भी रगड़ रगड़ के इसको सुखा लिया जाए। तो ये फुल्ली एडल्ट भी हो चुका है, बट उसमें सच में कंफ्यूज हो कि ये तोता है कि फीमेल पैरेट है, तोती है, बट देखते हैं। अब अगर आप लोगों को पता है कि क्या कैसे पहचान सकते हैं तोता तोती में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट और मिट्टू एंड मोली फिशेज और अदर चीज़ों के भी, जैसे कि हर चीज़ के मेरे अब से मैं डेली व्लॉग करने का ट्राई करूँगा। सो आप सब्सक्राइब करिए फॉर माई नेक्स्ट वीडियो अपडेट। थैंक यू एवरी वन।